आज मैं बात करने वाली हूँ एक मैजिकल हेयर ऑयल के बारे में, जिस हेयर ऑयल से आपको वन एप्लीकेशन में ही आपकी हेयर फॉल जो है 90% कम हो जाएगी। इसको मैंने जब बनाया था तो एक बार यूज़ किया एंड उसके बाद तो मैं इसकी फ़ैन हो गई। ऐसी मैजिकल हेयर ऑयल है एंड जस्ट 2 इन्ग्रीडियंट से ही ये हेयर ऑयल रेडी हो जाती है। बहुत ज़्यादा हेयर ग्रोथ एंड सबसे ज़्यादा हेयर फॉल को कंट्रोल करेगी, क्योंकि अगर हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगी तो हेयर ग्रोथ होने से भी क्या फ़ायदा। अगर हेयर फॉल आपकी होगी तो हेयर की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ नहीं होगी, तो उसके लिए हमें हेयर की जो हेयर फॉल है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए और भी बहुत सारे चीज़ को आपको मतलब फॉलो करना है, लेकिन उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी। पहले इस हेयर ऑयल को बनाते हैं एंड इसके एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं, जिससे आपकी रूट जो है हेयर की जो रूट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। सो हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ डाइटिशियन शुक्ला। मैं शेयर करती हूँ अपनी एक्सपीरियंस बेस्ड डाइटिक टिप्स एंड स्किन केयर टिप्स एंड हेयर केयर टिप्स जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ। हेयर के जो रूट है उसको मजबूत होना होता है, इसीलिए ये हेयर ऑयल जो है आपकी रूट को स्ट्रांग बनाएगी। एंड यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि जो झूठा कोई वादा मैं नहीं करूँगी कि कोई भी हेयर फॉल को कंट्रोल करने के लिए आपकी डाइट जो है ये एक बहुत बड़ी रोल प्ले करते हैं, तो इसके लिए आपकी डाइट जो है वो हेल्दी होना चाहिए। आपकी डाइट में भरपूर मात्रा में होना चाहिए प्रोटीन, आयरन, ये दोनों होना ही चाहिए। उसके साथ साथ जो होना चाहिए आपकी जो पॉटी है, आपकी जो लैट्रिन है वो क्लियर होना चाहिए, पेट साफ होना चाहिए, आपकी जो गट है वो हेल्दी होना चाहिए, गट में गुड बैक्टीरिया होने चाहिए। ये सारी चीज़ को आपको ख्याल रखना है। उसके साथ साथ गुड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 होती है वो आपकी डाइट में रहना चाहिए। इन सारी चीज़ को आपको फॉलो करना है, उसके साथ ये हेयर ऑयल काम करेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी एप्लीकेशन से ही आपकी सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम की जो रूट कॉज होती है वो है हमारी इंटरनल बॉडी। बॉडी के अंदर की जो पार्ट होती है, जो ऑर्गन्स होती है, उसको साफ रहना चाहिए एंड उसके साथ साथ स्ट्रांग भी एंड अच्छे तरीके से वो काम करना चाहिए। बॉडी को टॉक्सिन फ्री रहना चाहिए, तो ये सारी चीज़ जो है काम करती है। एंड हेयर फॉल भी कुछ ऐसी चीज़ है कि आपकी बॉडी को अंदर से स्ट्रांग होना पड़ेगा एंड साथ साथ अगर आप एप्लीकेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नज़र आएगी। तो चलिए और देर नहीं करते हैं, हेयर की डाइट के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत एक बड़ी टॉपिक है एंड इसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए आपको। एंड ये हेयर की ग्रोथ के लिए एंड गुड हेयर के लिए, एक अच्छी हेयर की हेल्थ के लिए बहुत मैंडेटरी है, इसीलिए एप्लीकेशन के साथ साथ इनटेक भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए किचन में हेयर ऑयल का बनाते हैं। बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही ईजी है। फ्रेंड्स, इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए हमारे जो पहला इन्ग्रीडियंट्स है वो है रोज़मेरी। ये रोज़मेरी आपको आसानी से ऑनलाइन में मिल जाएगी, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। ये रोज़मेरी हेयर ग्रोथ के लिए मिराकल की तरह काम करती है। उसके साथ हमें ऐड करना है मेथी सीड्स, 1.5 टेबल स्पून्स रोज़मेरी एंड 1 टेबल स्पून्स मेथी सीड्स लेना है। इसको मिक्सर ग्राइंडर में देना है एंड दरदरा से आपके ग्राइंड करना है, पूरा सा एकदम फाइन ग्राइंड नहीं करना है। उसके बाद इसको एक पैन में रखिए एंड उसमें ऐड करना है ऑलिव ऑयल। यहाँ पर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ऑलिव ऑयल में होती है गुड अमाउंट ऑफ फैटी एसिड जो हमारे हेयर ग्रोथ के लिए एंड हेयर रूट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है एंड बहुत अच्छी होती है। रोज़मेरी जो होती है कैसे काम करते हैं, ये हमारी हेयर के स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन लेवल को इनक्रीज़ करती है एंड वहाँ की जो नर्व होती है स्कैल्प की उसको भी स्ट्रॉन्ग करती है, जिसके कारण हमारी हेयर रूट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो हमारी हेयर फॉल भी कंट्रोल होती है एंड उसके साथ साथ न्यू हेयर की ग्रोथ होना भी स्टार्ट हो जाती है। एंड मेथी सीड्स तो जानते ही हो आप सब, ये हेयर के लिए सुपर फूड होती है। मेथी सीड्स में होती है प्रोटीन एंड आयरन जो हमारे हेयर के लिए एक बहुत ही एसेंशियल न्यूट्रिएंट होती है। करीब 10-12 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही इन्फ्यूज़ करना है लो हीट में एंड उसके बाद जब ये ल्यूक वार्म रहे तो इसको ट्रांसफ़र कर लेना है एक ग्लास के कंटेनर में।
देन इसमें ऐड करना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है वो अच्छी होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए। उसके बाद ऐड करना है आलमंड ऑयल। इंस्टीड ऑफ आलमंड ऑयल आप विटामिनिक कैप्सूल भी यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद ऐड करना है यंग एसेंशियल ऑयल। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन ये हमारी हेयर ग्रोथ को प्रोमोट करती है, अगर आपके पास हो तो आप ऐड कर सकते हो। देन अच्छे से इसको मिक्स करना है। तो चलिए आप इस ऑयल की एप्लीकेशन के बारे में एंड डिटेल्स के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, इस हेयर ऑयल को आपको बनाकर रखना है। आप रख सकते हो 2 मंथ के लिए, रख सकते हो 3 मंथ के, 3 मंथ्स के लिए भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जो है सिंपल एज इट इज़ बिफोर। जैसे कि आपको नाइट में इसका एप्लीकेशन करना है, ओवर नाइट इसको रखना है। एंड देन अगले दिन कोई माइल्ड शैम्पू से आपको अपने बाल जो है वॉश करना है। माइल्ड शैम्पू कैसे बनाना है उसके लिए भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल में है, आप उसको ट्राई कीजिए। एंड हेयर मास्क भी आप अगर यूज़ करते हो, एप्लीकेशन करते हो वीक में वन टाइम इज़ प्रेफरेबल फॉर गुड रिजल्ट। अगर आप नहीं कर सकते तो 2 वीक में वन टाइम तो आपको करना ही चाहिए फॉर गुड हेयर ग्रोथ एंड अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए। उसके लिए भी मेरे चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, अच्छी हेयर ग्रोथ आपको कैसे मिलेगी वो भी आप उसके में ऐड कीजिए। उसके साथ साथ हेयर ग्रोथ शैम्पू आप यूज़ कीजिए, बहुत शैम्पू की वीडियो है मेरे चैनल में, हिबिस्कस शैम्पू है, आप वो भी ट्राई कीजिए। इन सारे चीज़ को करने के साथ साथ एक हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। डाइट में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड, आयरन, इन सबको इंक्लूड कीजिए। एंड अगले वीडियो में मैं इन सारे डाइट के बारे में डिटेल्स में बात करूँगी, जैसे आपके हेयर की गुड हेयर ग्रोथ कैसे होगी, हेयर की हेल्थ अच्छी कैसे होगी, इन सारे चीज़ के बारे में फुल डाइट मैं आप लोगों को शेयर करूँगी। तो आज की ये हेयर ऑयल को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने हेयर केयर रूटीन में रखिए एंड इसको फॉलो कीजिए। एंड मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दीजिए कि मैं यूँ ही बात कर रही हूँ कि आपको भी कुछ बेनिफिट मिली है इस हेयर ऑयल से। तो आज की इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों की भी अगर कोई प्रॉब्लम हो हेयर से रिलेटेड उन लोगों को भी फ़ायदा मिले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी हेयर केयर टिप्स के साथ या फिर कुछ डाइटेटिक टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।